गए वो भी अपने घर चली गई। कैसी पावक में शब्द न आई ये सारा दृश्य अशोक वृक्ष में बैठे श्री हनुमान जी देख रहे हैं और मन ही मन इतने चिंतित हो रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है कि कोई सीमा नहीं। देख पर विरहा तुलसी का सोचत पिंगल समय अब कर हृदय विचार तीन मुद्र का डार तब तनु सो गया हे हरत उड़ कर आप सीता मां के सामने मुद्र का गिरा दिया तब देखी मुद्र का मोहन चकित चितौंधरी पहचानी हरत विचार सीता जी को मुद्रिका का करके प्रसन्नता, लेकिन मन ही मन को कष्ट भी हो रहा है। ये मुद्रिका तो प्रभु श्री राम की है और बिना उन पर विजय प्राप्त किए मुद्रिका कोई ला नहीं सकता और उन पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि रघुनाथ तो अजय हैं और श्री हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी माँ के चरणों को प्रणाम नहीं किया है, माँ ने मुझे कभी देखा नहीं तो मुझे पहचानेंगे कैसे। हमारे गुरुदेव रविंद्र जैन साहब ने बड़ा सुंदर एक गाना लिखा था रामायण सीरियल में उस समय के लिए, तो श्री हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे मन ही नहीं उनके मन में भावना आई कि मैं भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करता हूँ कीर्तन के साथ तो माँ को विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये उन्हीं का दूत है। दो चार लाइन उसकी सुनाता हूँ। राम कहानी सुनो रे राम राम कहानी सुनो रे राम कहे सुनत आए कहे पानी राम कहानी सुनो रे राम राम कहानी फल भेष भिक्षुका करके भिक्षा का सह करके फल भेष भिक्षुका करके भिक्षा का सह करके उस जन सुता सितारा छलबल से गया हरके उस जन सुता सितारा छलबल से गया हरके
विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, फिर किसी छोटे से मच्छर के समान आया। यही बात हमें आपको सीखना चाहिए कि जहां जिस प्रकार का रूप बनाने में जिस प्रकार की बात बोलने में अपना कल्याण हो, उसी तरह की हम प्रस्तुति दे दें। यही बात सुंदर कांड का बताता है, इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। और फिर हनुमान जी बड़ी विनम्रता से सीता माँ को कहते हैं, सुनु माता सखा मृग नहीं बल दुख विषाद, प्रभु प्रताप के हर हनुमान की। श्री हनुमान जी कहते हैं कि माँ, गरुड़ जो है उसका भोजन यद्यपि सर्प होता है, फिर भी जिस पर भगवान की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो, तो एक छोटा सा जो सर्प है, बहुत छोटा सा जो सर्प होता है, वो गरुड़ को खा सकता है अगर भगवान की कृपा हो। मन संतोष सुनत कटवानी भगत प्रताप के वलसा, आशीष से राम प्रिय जाना हो बात बल से लगदा, अजर अमर गुरु सुत हो कर हो कर गुणायत हो कर हो कृपा प्रभु अजुनी श्री हनुमान जी माता से आशीर्वाद लेते हैं। कायदे से तो हनुमान जी का काम पूरा हो गया, सही एड्रेस पता मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी एडिशनल पावर का इस्तेमाल करना चाहा। जब देखा था माँ जो है बड़ी बड़ी सरसह है, तो उन्होंने अवसर का थोड़ा सा फायदा उठाना चाहा और कहा कि माँ, इतनी दूर से चल के आया हूँ, मुझे बड़ी जोर जोर भूख लगी है, और मन ये विचार करके कि मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर कभी रघुनाथ जी के सामने चर्चा चली तो मैं सेफ साइड रहूंगा और कह दूंगा कि मैंने माँ से पूछ लिया। तो बड़ी बड़ी विनम्रता से कहते हैं माँ से, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाज देहि दुर्बल बलो, सुन सुत करहि बिघ्न रघुआज धर्म सुभद्र रज निरहुआ, तिनि कर भय माता मोहि नाहि जो दुख सुखवान हो मन माहि, पति बल बिघ्न कपिल कह जानकी जा, रघुपति चर है धरि आत्म दुर्बल लाया, पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हर हर श्री से बुद्धिमान आकर्षवान सब कुछ देख करके माने आज्ञा दे दी कि भगवान के चरण को ध्यान में रखते हुए आप जाइए और फल खाइए, और श्री हनुमान जी सीता मां को प्रणाम करके चल जाइए। चलो गाय सिर बैठे हुआ का फल खाए,
भयंकर संग्राम चालू हो गया अशोक वाटिका का। रावण का प्रेम राक्षस कुमार मारा गया, यह खबर रावण को दी गई थी तो रावण ने अपने सबसे बलशाली पुत्र को भेज दिया। सुनी सुत बदल लंके से निशाना पकड़े थे जन सुत जब हर हर से हार गया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मवान कभी कहूं नहीं माला कर रहे हैं समर बाल मैंने फल खाया और बाबा के स्वभाव में है जो फल खाता है तो थोड़े बहुत डाली बाकी तोड़ता ही है। सबके देह पर प्रिय स्वामी हरे मोहि कुमार जी जी मोहि मारा ते मैं मारे हे मन साधे सते तुम्हार जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा।
और ऊपर से आपके बेटे ने हमको बांध लिया, तो मेरी गलती कहाँ है? आनंदित भैया, अगर आपको जिरह करना पड़े कि जिसने किसी को मारा उसने उसको मारा और दोनों जिंदा है, तो जज को टेंशन हो जाएगा सजा क्या क्या जाएगा, क्योंकि हनुमान जी ने किसी का वध नहीं किया, उद्धार किया या उसकी बुद्धि ठीक थी। तो हनुमान जी बड़ी बड़ी कृपा से कहते हैं कि रावण मोहिन कछुआ कैला पाल रघुनायक करुणा सिंधु कराई जय शरण प्रभु राखियो तब परारि रामचरण पंकज दूर धरहु ललकार राजु करहु ऋषि कुल सति जसु विमल का सदल मूल निज सरन नाही करै गए सुन लद कंठ कहौ मन रोई शंकर रह विष्णु जो भगवान कभी दीवानी निशाचर मर जाए जैसे कहा है इस मानव को अमृत दे दिया जाए, उसी समय विभीषण का प्रवेश होता है। कहते हैं महाराज रावण किसी भी दूर का वध नहीं किया जाता, यह नीति के विरुद्ध होगा। सब लोगों ने मिल मिलकर निर्णय लिया, विवाह की सबसे प्रिय वस्तु उसकी पूंछ होती है, उसके पूंछ में आग लगा दी, क्योंकि पूंछ हीन वानर तन जब जनाना उसके जाएगा तो अपने स्वामी को लेकर के आया है। बहुत बड़ाई सुन मन बचाना, तेल बचाना, कपड़ा बचाना,
सारा कुछ उसी पूछ में लपेट लिया और उसी पूछ में समा गया। जैसे बांदर का स्वभाव होता है, तथा से एक गाली की दूसरे गाली की पूछ जाए। निबुब जैसे भूखा भी कंधा जब श्री हनुमान जी के पिताजी पवन देव ने देखा कि हमारे बेटे के पूछ में आग लगा दी गई है, तो हरे नहीं हम चले मरो रोम उचा। उसी समय 49 पूरे 49 मरुदों की हवा खोल दी। हमारे आपके मोबाइल की गलती तो एक वेव से भी कम की होती थी। आप कल्पना कीजिए कि कितने वेव रहे होंगे उन हवाओं में। और कहा हनुमान जी के कारण सब लोग सहायक हो जाओ। जनन सुता के आगे भयंकर समुद्र में कूदे अपनी पूछ में लगी आग को शांत किए, एक पल को विश्राम किए और पुनः उसी छोटे से रूप में आकर के मां जानकी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं श्री हनुमान। यही हनुमान जी के चरित्र और रावण के चरित्र में अंतर है कि रावण बड़ा बना, छोटे से बड़ा बना और इतना बड़ा बना कि तीनों लोगों में उसके समान कोई बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन कभी वो छोटा नहीं बन पाया। रावण कभी छोटा नहीं बन पाया और श्री हनुमान जी हमारे आप सुन ही रहे हैं उनका सुंदर चरित्र। बड़ा बना आया रावण को कभी छोटा नहीं बना, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सवाल रावण घर दिया पूरे विश्व में, पूरे विश्व पर राज्य करने वाला रावण जिसका पूरे विश्व में एक मंदिर शायद कहीं न दिखे। और हमारे श्री हनुमान जी के कहना ही नहीं है, करोड़ों में भी कहते भी कम ऐसे हमारे श्री हनुमान जी हैं। और दोनों हाथ जोड़ करके मां के सामने खड़े होते हैं और मां तुम ही दी जय कछुचिन्हा जय पहचान दी। मां ने चूड़ामणि उतार करके दिया हनुमान जी को और फिर सीता मां कहती हैं श्री हनुमान जी से थोड़ी मेरी बात भी रघुनाथ का कह दीजिएगा। कह
अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं? तो ही देखी सीता भई छाती कहीं समझाए बहु चरण कमल सिर नायक की गवन राम अनेक प्रकार से मां को धैर्य बढ़ाया समझाया श्री हनुमान जी और चरणों की वंदना करके भगवान श्री राम को यह सारी सूचना देने के लिए चल रहे चलत महादन गर्ज सुभासन तन दे मन विचार कर भगवान श्री राम का प्रवेश हो रहा है दर्शन हो रहा है अलीगंज के बावन हनुमान मंदिर में पधारे प्यारे प्यारे भक्तों दोनों हाथ पर उठा के और दो बार कीर्तन कर लेते हैं श्री राम जय राम जय राम राम
समारोह विद्वान भाग पारमहासायक चार चाम नमः राम रघुवंश श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम सहित सब भेंट रघुपति करना पुंज पूजी पूरे वानर दल से सबसे श्रेष्ठ और बुजुर्ग श्री जामवंत जी खड़े होते हैं और कहते हैं प्रभु को प्रणाम करके जामवंत कह सुन रघुराया जामवर नाथ करो गुणगाया सदा सुबह चल ले नगर दर पर सदा ऊपर सोई विजयी विजयी पुण्य सागर पास सुरज चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए हनुमान हरि आए प्रभु श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कहा चल मोही चूड़ामणि नाथ जुगल लोचन बन भारी वचन कहे देवी चलिए प्रभुवानी भुजबल सीता माता का पूरा हाल समाचार भगवान को देते हैं और श्री हनुमान जी निवेदन करते हैं कि प्रभु जितना जल्दी हो सके चल करके रावण रूपी आताई पर आक्रमण करके सीता माता को लेकर के यहाँ पर आए हैं। प्रभु करो
सारी बात बड़ी सहजता से श्री हनुमान जी कह गए, लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सब आपने किया है, आपकी कृपा से सब हुआ है। ये हमारे हनुमान जी का चरित्र है कि इतना बड़ा बड़ा काम करने के बावजूद भी कहीं से भी अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते श्री हनुमान जी, और बड़ी सहजता से कह जाते हैं, सो सब तब प्रताप प्रभु प्रभु बचो गम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लही जा रे सकई कल को श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय तो श्री हनुमान जी ने भगवान की सेवा भक्ति ही मांगी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, सारी बातें सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुग्रीव को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब हम किसी भी तरह का विलंब मत करिए, अब विलंब नहीं करने की है, जय जय
प्रकार विशाल सेना भगवान श्री राम की अगुवाई में विशाल सेना समुद्र के किनारे इकट्ठा हो गई। और उधर वहां निसाचर है सत्संग का जब से हनुमान जी लीला जला के आए सभी सत्संग की तरह रहने लगे वहां वहां पे निज निज गृह सब कर ही बिचारा मचा जाती वो स्वयं आएगा तो क्या होगा। दो तीन सन सुनी पुर जन पानी दूतों से सूचना मिली जब मंदोदरी के कान में यह बात आई उसके मन में बड़ी व्याकुलता हो गई और वो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके रावण से कहते हैं कि महाराज रावण रहसी जो कर पति पति लागी बोले भगवती निरलता रंग कर हरि रंग पर राम जी को वापस दिए आपका कल्याण भोलेनाथ भी नहीं देख सकते राम जदन करो दर्जे सियावर रामचंद्र सब सुनी ससरा कर सब सुभाए नार कर मंगल जो आवे मर कट रखाई मन मंदोदरी कर मंदोदरी की बात रावण को कुछ भी नहीं समझ में आई लेकिन मंदोदरी तो उसकी पत्नी है बड़ी बड़ी चिंता हुई उन्होंने कहा कि हमारे पति विधना जो है प्रतिकूल हो गए बैठो सभा खबर ये सिपाही सुन बात से ना सवाई मुझे से कुछ मत कह सभा से मदद और सभा में बैठा रावण और प्रशंसकों से घिर गया चाटुकारों से घिर गया रावण और सब जय 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 रहे हैं कह रहे हैं जिजे उस रासुर तब श्रम नाही दरबार के प्राप्त की है आपके लिए दो चार भालू बानर क्या हो सकता है क्या क्या कर पाए तो बाबा हमारे लिए हैं ऐसी बाबा सचिव बैर गुरु दी जो प्रिय बोल आपका निजी सलाहकार आपका निजी डॉक्टर और आपके गुरु जी ये तीनों अगर आपके डर से आपकी भाषा बोलने लगे तो होता क्या है राज धर्म तन तीन कर हुई यही होता है
और रावण के दरबार में वही हो रहा है कि सभी लोग मिल करके सोई राम बन कह मनी राम भक्त नरे जलाए जलाए सर जानवी जी से नया बाबा सभी लोग फिर हो रावण बाबा को ही राम की प्रशंसा कर रहे हैं। उसी अवसर पर छोटे भाई भीष्म का आगमन होता है। पुनि सिरुनाई बैठने जय आसन बोला वचन पाई अनुसासन लोकपाल मुझे जो मही पाता तो आपन चाहे कल्याण मनुष्य पर बुलाना पर नार लाल सनाई की कथा सुनाई चौथे चंद्रमा की तरह दूसरे की स्त्री को त्याग दीजिए इसी में आपकी भलाई है। चौदह भुवन एक पति हो और फिर विभीषण कहते हैं रावण को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत सब पर है गुरु भजो भजे ये सब का त्याग करके उनका स्मरण करिए जिसका स्मरण सभी संत ऋषि मुनि करते हैं। आत राम नहीं धर भूपाला मोहे स्वर काला पर वाला मन नाम है जगत जापक अज दयाना दीन का बोध जिनु देव हित करी बात बाण तंदा जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर रचक अनुराता ताहि जय सुत जिनाई माथा करता देव मुनि बुलस्त निज सिज जसन कहि पटई यह बात तू न हो मैं प्रभु व्रत कहि पाई सो सरकार। अनेक प्रकार से विभीषण समझाता है रावण को और मालिक जो रावण के सचिव थे उनको बहुत अच्छी लग रही हुई संकल्प बात उन्होंने बड़ी विनम्रता से रावण से कहा है महाराज रावण विभीषण की बात को सुनी है और उसका पालन कीजिए। इतने में रावण को बड़ा दूर से गुस्सा आया है। रिपोर्ट कर से कहा से जो भोज कर उठाए को आलम मर के गए बहुत आए हो तन को कर जोड़ी बड़ी बड़ी खेले हवा आता है दोनों को रोता है दोनों को हवा आता है सब भला दो मालिक तो चला गया वो तो सचिव था लेकिन विभीषण तो छोटा भाई था। वो किसी भी स्थिति में कल्याण की ही बात करने के लिए आया था और पुनः दोनों हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगा सुमति कुमति सबके उड़ रहे नाथ आज रहे ही नहीं चल रहा
प्रहार किया अपने छोटे भाई पे, जिन चरणों से उसने अपने भाई पर प्रहार किया उन्हीं चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं विभीषण। उमा संत कई हर सचिव संगले राम सचल प्रभ जाते इस प्रकार संकल्प ले ले हैं कि आज के बाद मैं आपकी सभा का त्याग करता हूं और भगवान श्री राम की शरण के लिए चल पड़ते हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर इस प्रकार भगवान श्री राम का गुणानुवाद भगवान श्री राम को महिमा का ध्यान करते हुए मन में स्मरण करते हुए भगवान श्री राम की महिमा चले जा रहे हैं। अब देखिए राम नाम में ये शक्ति है कि ना कोई सेतु है ना कोई ब्रिज है ना कोई हवाई जहाज है। राम नाम को अंतःकरण में जपते जपते विभीषण ही विधि कर प्रेम विचारा निर्मल मन जन तो ही पावा ही प्रभु श्री राम कहते हैं यज्ञ गंधर ने रावण ने हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी क्योंकि जग मोह सखा साचर जेते लक्ष्मण जो सभी आवास रनाई रखियो तार प्राण के हिना भय भाग कहिया हसि
गहन पानी के देख पाल अंगद हनुमान सपन दिया हरे रामचंद्र की जय हो अंगद हनुमान की जय सादर रही आंखे गरिमान चले रघुपति के देखे दो भ्राता आनंद दान कैला पहली शरणागति है ये भीषण की जो भक्ति की शरणागति के रूप में हो रही है भाव और श्रद्धा के साथ दोनों हाथ ऊपर भागे रामचंद्र की अस कहि कर तदंत मुझे देखा तब में तब ये है राधा पुरुषोत्तम और भगवान श्री राम दंडवत करते हुए जैसे देखा विभीषण को दोनों भाई थे और गले लगाते हुए अपने पास बैठते हैं और हालचाल पूछते हैं और कहते हैं खल मंडली मैं जानो तुम्हारी सभी मरुबल वासन रंगर राता दुष्ट सब जल से राता बदले कुसल रंगराया राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम तब लगी सत खलाना जब लगे हुए बसत रघुनाथा रामचंद्र की जय हनुमान की जय
भगवान ने एवं मस्तु कहा और तुरंत समुद्र से जल मंगवाया और फिर भगवान श्री राम कहते हैं जद भी सखा तद इच्छा नाही मोर दरस अस कहि राम तिलक नहि सारा सुमर राम जोधानंद जात समीर प्रचंड जरत में भी जो संपत्ति शिव राम नहीं तीन दिए सोई संपदा सच हजारों वर्ष तक तपस्या के अंडे पर जो राज संपदा भगवान भोलेनाथ ने रावण को दिया थोड़ी देर की मित्रता में थोड़ी देर की शरणागति में भगवान श्री राम ने बड़े संकोच संकोच करते हुए भीष्म को प्रदान करते हैं ये हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बाबा हमारे लिखते हैं आज प्रभु भगवान श्री राम को छोड़ करके जो नर अन्य बातों का स्मरण करते हैं वो मनुष्य नहीं है वो मनुष्य तो है लेकिन ऐसे मनुष्य हैं जैसे जानवर में होता है लेकिन जानवर एक ऐसा भी होता है जिसके पूंछ न हो भर्तृहरि ने लिखा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षी विषाण की नहीं निज जन जान ताही अपनावा प्रभु सुहाग कभी कुल हमारी सेना उस पार जाए कैसे संकुल मगर उरर छत जाती बाबा आपके एक वाण ये क्या है ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं लेकिन नीति यह कहती है कि विनम्रता से एक बार निवेदन करना चाहिए प्रभु तुम्हारे कुल बुरज कहन पाए विचार बिन प्रयास सागर रही सकल भाव कविता वर राम नजर की जय और हनुमान की जय ये बातें सुन करके भगवान कहते हैं सखा कही तुम दी के उपाय हरि लय जो साई मन मन लक्ष्मण मन पाओ आमावर गुर अब दुबारा नाथ दैव कर कौन भर भरसा सो के सुंदर मन वसा आदर मन कछु एक सुनत बिहस सुने रघुवीरा अस कहे प्रभु अनुज समझाई ये सारी बातें लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी लेकिन भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं और फिर
प्रथम प्रणाम के सिर नाए बैठे मुनि तट कर लगाए जब ही भीषण प्रभु वहीं आए माथे रावण सकल चरित देखे हरे पट पट बिदे प्रभु ने सराहे सरदार पर में सियावर रामचंद्र की हनुमान की सकल बखान ही राम सुहा रूप बदल के आए हैं राम के सिवी आई आई दो सिवी आई है जाता गुप्त चर्चा में विभीषण के साथ के देखना इनका क्या हाल होता है वहां जा जाके लेकिन मन ही मन भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री राम के सौंदर्य भगवान श्री राम के पुरुषार्थ का वर्णन कर रहे हैं उनके नीति की चर्चा कर रहे हैं और ये जो है वानरों ने सुन लिया कहीं से रिप के दो कपिन तब जाए गलबार दुश्मन का दो समझ में लिए जब जब तो बांध करके पकड़ करके सुग्रीव के पास लेके आए सुग्रीव कहते हैं कह सुग्रीव सुनो सब वानर अनुभव कर पटयो निश्चर सुनो सुग्रीव वचन कपि थाए बहु प्रकार मान कपि लागे चारों तरफ घुमा घुमा के बांदर जो है बैठने लगे बड़ा जोर जोर चिल्लाए छोड़ नहीं रहा है कोई तो दोनों बड़े डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा भी नाक कान काट लिया जाए बड़े बुद्धिमान थे दोनों तो दोनों कहते हैं जो हमारा आना कहीं तो चाहे है हमारा लेकिन मेरा नाक कान बंद काटा आपको भगवान की सौगंध ये बात लक्ष्मण जी सुन ली लक्ष्मण सब निकट बुलाए रावण कर दी पाती कहे खागर मुंडन हम ससरे सुदान सीता दे भूल आवा काल तुम्हारी अवर रामचंद्र की जय मोहन हनुमान की जय सुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले कहत राम जस लंकाए जीवन कर उन दोनों गुप्तचरों से रावण ने पूरी बात जानना चाहिए तो दोनों बड़ी बड़ी नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके क्रमबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया पहला उत्तर दिए नाथ कृपा कर पूछो जैसे मानव का कह रहा है जिस तरह से आपने मेरे पर कृपा करके मुझसे पूछा उसी प्रकार का उत्तर सबके लिए तैयार हो जाए पहला उत्तर क्या देता है मिला जाए जब मनुज तुम्हारा आपका भाई जैसे ही मिला वैसे भगवान ने उसको लंका का राजा बना दिया मैं तो कहता हूं कि रावण का परोक्ष रूप से वध तो सुंदरकांड में हो गया लंकेश तो विभीषण हो गया अब रावण कहां रहा प्रत्यक्ष रूप से वध लंका कांड में होता है रावण का और फिर कहता है रावण दूत हमें सुने गाना कभी ने बाजी दीने चुप रावण श्रवण ना Yeah.
लगे, बखान करने लगे दोनों। रावण प्रतीक्षा में है कि अरे इतना बड़ा ताकतवर वानर आके हमारी लंका जला गया, उसका तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर दोनों कहते हैं जय हिंद रे हो हते जो बानर यहाँ आया था, आपकी लंका को जलाया, आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, वो उस दल में सबसे कमजोर बानर है। अब कमजोर उन दोनों को कैसे लगे हनुमान जी? वो दोनों जब आए तो एक से एक बड़े बड़े बानर घूम रहे थे अखाड़े के पहलवान जैसे, अंगद जामवंत नल नील तदमुख, एक से एक बार कहीं हनुमान जी को देखा ही नहीं उसने। हनुमान जी तो भगवान के चरणों में पैर दबाते हुए भगवान के चरणारविंद में बैठे हैं। तो बड़ी देर के बाद जब देखा उसने तो सोचा कि ये तो सबसे कमजोर आदमी है यहाँ, इससे ही ताकतवर सारे लोग यहाँ पर हैं। जय गुरु रहे हनुमान जावत बलराजी एक उस दल में ऐसा एक भी वानर मुझे नहीं दिखा जो आप पर विजय प्राप्त न कर सके, आपको पराजित करने की शक्ति प्रत्येक वानर ने वहां मुझे दी थी। और राम तेज बल बुद्धि बुलाई दोनों ने कहा कि यद्यपि भगवान के एक बाण सौ समुद्र को सोख सकते हैं, फिर भी उन्होंने आपके भाई विभीषण से पूछा कि किस प्रकार हम इसको पार करें। तो मुस्कुरा करके हंस करके रावण कहता है अच्छा अब बस और बखान करना, मुझे शिशु के ताकत का पता चल गया। तो रावण कहता है सचिव सभीत विभीषण जाते अरे किसका बाबरी विभीषण हो उसके पर्वत में उसके हिस्से में मुझे कभी हो ही नहीं सकती। सुनि खल वचन गुरु तिवारी हमारे विचार गायिका राम जी
राम जमान अनुज प्रभु पद पंकज भोली राम सराल हलकुल सहज पतंग वो चिट्ठी चिट्ठी से प्रकार रावण पढ़ रहा है जैसे किसी विभाग का सबसे बड़ा ऑफिसर किसी छोटे अपने स्टाफ को टेलीफोन करे और बड़ी जोर जोर से डांटने लगे और वो कर्मचारी बेचारा ऐसी जगह खड़ा हो जहां उसकी शान तो बस खाली उधर से आवाज आएगी जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर देगा और उधर वाला भला साथ बना रहेगा तो पत्रिका पढ़ करके रावण तो है इसी तरह जो है अपने आप को अपने ही दरबार में उसी प्रकार प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि जो जो पढ़ भी नहीं सकता लक्ष्मण की पत्रिका का सुन सब अब ये भी वही गलती करने लगा जो विभीषण करके गए लगा समझाने रावण को मिल कृपा तुम पर प्रभु करी करने की बात ही वैसे ही ठीक उसी प्रकार का कहा राम ने किया जैसे अपने भाई विभीषण ने किया बोलिए जैसे राम और इसने भी वही किया नाई चरण सिर चला सुकन करे नाम सुनाई राम अगर के साथ के कारण जो है दोनों राक्षस हो गए भगवान ने पूरा वृत्तांत सुनाया पूरी बात है पूरी कथा सुनाई पूरा दर्शन सुनाया लंका का भगवान श्री राम के चरणारविंद में ध्यान किया बार बार प्रभु को प्रणाम किए और दोनों अपने आशीष और इधर विनय मानत दिल जड़ जड़ गए तीन दिन में भोले राम से बहुत बल है विनोद किया बर राम जस की जय तीन दिन में भी भगवान को सबसे से प्रार्थना कर कर और भगवान को गुस्सा आया लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण बाण से राजन सच सच विनय मुकिल लन की और प्रभु में शरणागत होता है सुख और शांति की
श्रद्धा की दूसरी शरणागति थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये समुद्र है ये बड़ा अहंकारी था समुद्र, तो इसके अहंकार का मर्दन हुआ और फिर ये भगवान की शरणागत हो रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की दोनों हाथ जोड़ जोड़ के समुद्र सब बचन कहे कृपाल मुस्का जही भी विवर भगवान श्री राम के शरणागत के वत्सल है। लाख अवगुण भरा हो लेकिन कोई शरणागत हो गया तो उसकी सारी गलतियों को क्षमा करके भगवान कहते हैं कि अच्छा समुद्र देव मेरी विशाल सेना किस प्रकार उस पार जाए विचार आप बताइए कोई तरीका बताइए। तो समुद्र कहते हैं बड़ी बड़ी मृदा से कहते हैं नाथ नील नल लप दो भाई नल जाए आप आज तक में दो भाई हैं है और नील को बचपन में आशीर्वाद मिल गया था था तो श्राप लेकिन हो गया आशीर्वाद तिनके पर किए गिरवार तर उनके स्पर्श करने से कोई भी पर दल में भूगा नहीं। और मैं पुनि मुरधर प्रभु प्रभु धाई करियो वलय अनुमाता मनसा वाचा चरणा हर तरह से इस कार्य में आपकी सहायता करूंगा। और इस प्रकार हे विपिनाथ प्रयोग बधाई भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है आपकी बात मान लिया लेकिन ये बताइए समुद्र देव कि जो हमारी प्रत्यंचा पर ये मान चढ़ गया है इसका क्या करें। एक बार जब रघुवंशी की प्रत्यंचा पर मान चढ़ गया तो बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं आ सकता। तो समुद्र कहते हैं उत्तर दिशा से मुझे बहुत बड़ा कष्ट है इसका समूल नष्ट करें प्रभु सुनी कृपाल भगवान समुद्र के मन की पीड़ा सुन करके तुरंत उसका जो है हरण किया। मेरे नाम तुम्हारी मेरे नाम तुम्हारी देख राम बल भोर सुभारी अरज गयो निरय उदा बाबा सकल चरित कहि प्रभु सुनावा देर के भगवान के पुरुषार्थ को दे देर के भगवान की वीरता को दे देर के समुद्र के मन में बड़ा संतोष हुआ। बार 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 भगवान को प्रणाम करके निज भवन में गमन सिंधु श्री रघुपति मत भाव यह चरण कर दास गुरु जी प्रस्थान करते हैं। सुख भवन संशय समान नमन विषाद रघुपति गुणगान तो भगवान से पावन चरित्र भगवान की पावन कथा जो सुनते हैं
जो भाव और श्रद्धा के साथ जो भी नारी सुनते हैं उनको ये कथा देते क्या है, तो तुलसी बाबा हमारे लेते हैं कि सकल मंगल गावें रघुनायक गुणगान। आपके जीवन के सभी प्रकार के अनिष्ट, सभी प्रकार के अमंगल को सुमंगल में बदल कर करके आपके जीवन में जो जो हुई है उस सब को प्रभु माफ कर देते हैं और आपका जीवन सुखमय बना देते हैं। आपके जीवन के सारे संताप, सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख का हरण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में सुमंगल और सुख आता है। जैसे सागर सुनहित तरहि भवन सिंधु बिना जलया, जिस प्रकार भगवान श्री राम का गुणानुवाद करते करते कोई भी व्यक्ति अथाह सागर को बिना किसी जलयान के पार कर जाता है। सुंदरकांड में जिस प्रकार तीन शरणागति है, पहली भीषण की, दूसरी सुख और सारण की, तीसरी शरणागति समुद्र, उसी प्रकार भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते करते सबसे पहले हनुमान जी लंका के उस पार गए और आए नंबर वन, नंबर दो में भीषण आए। राम नाम का स्मरण करते हुए कोई नहीं था ना कोई जहाज, और नंबर तीन में या साथ में ही कह लिया भीषण के सुख और सारण आए और गए राम के पास और फिर आए भगवान श्री राम के पास। ये भगवान श्री राम के नाम की शक्ति है। श्री रामचरितमानसे सकल कलेश कलुष विभंसने पंचम सोपान श्रीमद् मानस सुंदर कांड समाप्त है।